के लिए हो पीपल, सितंबर मंथ के लिए यहाँ पर करियर और आपके हेल्थ के बारे में देखेंगे और फाइनल आउटपुट देखेंगे उसका। यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कॉइंस लियो, यहाँ पर बिजनेस के लिए सॉरी करियर के लिए, और द एम्परर यहाँ पर हेल्थ के लिए। द स्टार बॉटम ऑफ द डेक एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स फाइनल आउटपुट। यहाँ पर लियो आपकी पहले, सबसे पहले हम हेल्थ देखेंगे। यहाँ पर है ना, आपको ऑलरेडी आपके जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस आ चुके हैं, तो यहाँ पर लियो पीपल आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हो कि आप बहुत ज्यादा एजड हो चुके हो, जो कि नहीं हो आप। ओके, ऐसा फील हो रहा है आपको, टायर्ड फील हो रहा है, अकेला महसूस हो रहा है, समथिंग। यहाँ पर आप ना यहाँ पर आप आपको ऐसे लग रहा है आप सब कुछ ठीक हो, बट आप ठीक नहीं हो। ओके, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके आप नहीं, यहाँ पर ना थोड़े से अनहेल्दी फील लग रहे हो आप, ना किसी से बात नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और यस आप ना बहुत ज्यादा ना चिंता कर रहे हो, फाइनेंस की ज्यादा चिंता कर रहे हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि अभी क्यों स्टेप लेना, अभी कौन सी स्टेप लेना, अभी बहुत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप ना एक्टिव नहीं रह पा रहे हो, यहाँ पर ऐसे फीलिंग्स आ रही है। आप बहुत ही ज्यादा ना थका हुआ सा, टायर्ड फील कर रहे हो, आप एक्टिव फील नहीं कर रहे हो, आप रुक चुके हो। ऐसे लग रहा है कि यस बहुत हो गया, लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, अभी कुछ नहीं करना है, बस अकेले रहना है, बस शांति से रहना है, दैट्स इट। यहाँ पर आप ना ऐसा बहुत ही ज्यादा ऐसे लो एनर्जी फील कर रहे हो। ओके, आई थिंक आप बहुत कंफ्यूज हो आपके यहाँ पर लाइफ को लेकर, ऐसा भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर स्टक हो चुके हैं, और उसके वजह से वो इफेक्ट इनडायरेक्टली आपके हेल्थ पर गिर रहा है। ओके, आप बहुत ही जैसे बहुत ओल्डेस्ट पर्सन हो गए हो, और जैसे जैसे कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कुछ भी नहीं है, सब कुछ रुक गया है, ऐसे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, और वो इफेक्ट यहाँ पर करियर में देखेंगे। आपका क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है करियर में, आपको ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आपको फ्रीडम चाहिए, थोड़ा फ्रीडम लेना है, आपको स्टेप लेना है आपके करियर के लिए। ओके, जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है और लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर है ना क्वीन ऑफ क्वाइंस का कार्ड यहाँ पर आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके टेम्परेंस, और यहाँ पर आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर आपका जो है करियर के लिए यहाँ पर आया है कि करियर ना आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको पास्ट की एनर्जी थोड़ा सा जहाँ पर जिस फील्ड में आप वर्क करते थे, और आपको थोड़ा सा मूव ऑन होना है। आप नेक्स्ट कहीं पर जॉब चेंज कर सकते हो, कहीं और जा सकते हो, जिससे ना आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आपको आगे स्टेप लेना है करियर में, आपको वहाँ पर रुकना नहीं है। आप जैसे वहाँ पर है ना, आपको जैसे ऐसा फील हो रहा है कि बंदा बंदा ऐसा फील हो रहा है। ओके, आपको वहाँ से निकलना है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ आता है तो आप मूव ऑन हो सकते हो। मे बी इसके वजह से आप यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी में हो, ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ भी नहीं, बस आना जाना जो काम है बस वो, बाकी लाइफ में कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ना आपको खुद को ना बैलेंस करना है, आपके करियर में खुद को बैलेंस करना है, और करियर के लिए जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, या आप कुछ ट्राई करो, आप कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो, आप कुछ ट्राई करो और आप आगे ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, दैट मीन्स आपको फाइनेंशियली आपका बहुत कुछ स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, बहुत अच्छा होगा, और देखो फुलफिल भी होगा। ओके, डेफिनेटली आपको यहाँ से निकलना है। ओके, यहाँ से निकलना है, जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो लियो पीपल, वहाँ से आगे निकलना है। मे बी आपको जहाँ पर भी ये देखो ना, निकलने के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ये टाइम है ना, कुछ दिनों का है, तो जो भी आपके लिए जो भी
जो भी आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपका जॉब का हो, बिजनेस जो भी है, आपको थोड़ा चेंज करना है तो आप घूम कर आ जाइए, तो आपको ना एक फ्रेश एनर्जी मिलेगी, तो जिसके वजह से क्या होगा कि आपको एक नई दिशा मिलेगी, कि आपको एक राइट चॉइस मिलेगी, एक फ्रेश एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है। आई थिंक आपको किसी ने मैनिपुलेट किया, या किसी ने चीट किया, या किसी ने कहीं तो भी आप हर्ट हो चुके हो, और उसके वजह से यहाँ पर आप ना इधर डिप्रेशन में भी हो, कुछ करने का सोच ही नहीं रहे हो, और इधर भी करियर में ऐसा हो रहा है, उसका इफेक्ट करियर पे गिर रहा है, कि आप कुछ जो नया कुछ ट्राई करना है वो कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ करना है आपको, ओके, आपकी फाइनेंशियल करियर में ग्रोथ है डेफिनेटली। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स, दैट मीन्स डेफिनेटली आपको आगे आपको अपॉर्चुनिटीज है, और आगे आपकी ग्रोथ है आपके करियर में, ओके। तो आप सितंबर मंथ में यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अच्छा कुछ, ओके। ये देखो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस डेफिनेटली यहाँ पर हम थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, कि आप पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, या आप यहाँ पर कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ वर्क स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, ओके। तो यहाँ पर आपको ना एक नया कुछ डिवाइन के तरफ से कुछ सिग्नल्स आएंगे, या आपको एक आइडियाज आती जाएगी, जैसे जैसे आप ना टीम वर्क कर सकते हो, ओके, टीम वर्क कर सकते हो, जो भी आपको ना एक अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, और जिसके वजह से ना यहाँ पर आपका फुलफिल होगा, यानी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल भी अच्छी रहेगी, और जिसके वजह से आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर ये आप सबको, ये आपको करना है, ओके। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पर डिवाइन आपको इसका आउटपुट, फाइनल आउटपुट बहुत ही बेस्ट दे रहा है, बट आपको करना है। आप यहाँ पर रुक जाते हो, ओके, यहाँ पर ऐसा ही नर्वस बैठे रहते हो तो नहीं होगा, ओके, नर्वस बैठने से नहीं होगा ये। वैसे कहा तो पॉजिटिव कार्ड है, आप हीलिंग चल रहा होगा, या सेल्फ कुछ आप सोच रहे होंगे, बट ये इसको डिले नहीं करना है, आपको ज़्यादा डिले नहीं करना है। आप ज़्यादा डिले कर रहे हो, रुक चुके हो और आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, सोचने से नहीं होगा ना, सोचने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्टेप लेना है, ओके, आपको स्टेप लेना है करियर के लिए। तो आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए और आगे बढ़िए, तो आपकी यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है डेफिनेटली। यहाँ पर तो स्टार का कार्ड है, यहाँ पर भी सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई। यस, आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ना राइट पाथ नहीं मिल रहे हैं। आप जैसे आपको राइट पाथ मिल जाए तो आप उसके बाद में स्टेप लोगे, ये सोच रहे हो, तो ये नहीं सोचना है आपको। आपको एक स्टेप अच्छे से लेते हो तो यहाँ पर आप सपोर्ट ले सकते हो, आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट ले सकते हो। आप सपोर्ट लेने के ट्राई नहीं कर रहे हो कि किसी को पूछना, किसी का हेल्प लेना, नहीं, आप ना खुद को ही बस खुद के बारे में खुद ही डिसाइड कर रहे हो, खुद ही सोच रहे हो, और फाइनल कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो, ओके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपको फोकस करना है आपके एरियाज में, जहाँ पर भी आप जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें आप फोकस कर सकते हो, और पूरा वो जो भी जो फील्ड है उसमें आप फोकस करोगे, डेडिकेशन दोगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ओके। यू आर अ किंग, यहाँ पर डेविल का भी कार्ड आया है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थाट्स कर रहे हैं, और उसके वजह से ना आपको पॉजिटिव एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, जो कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो आपके लाइफ में, वो नहीं यहाँ पर पिकअप हो रही है, तो आपको नहीं हो रही है, वही तो आप हैंगमैन की एनर्जी में हो, आप बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना है, ठीक है, आपके पास में ऐसा समझिए कि टाइम बहुत कम है, ओके, और आप बहुत ज़्यादा रुक चुके, ऑलरेडी बहुत टाइम गया है आपका, आई फील हियर, ओके, कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी बहुत सारा टाइम गया है और आप स्टेप नहीं ले रहे हो, और आपको अभी स्टेप लेना है, ओके, आपको अभी स्टेप लेना है। कितना दिन बैठोगे ऐसा, ओके, जिनसे भी रेजोनेट होता है तो प्लीज गाइज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेप लेते हो, टीम वर्क करते हो, या कुछ भी किसी के गाइडेंस लेते हो, तो यहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है, आपको करना ही पड़ेगा, ओके लियो। सो यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।